बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम के यू ब्लॉग। और आज ईद का दूसरा दिन है और सब मुसलमानों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। और ईद के पहले दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैं आपसे माफ़ करता हूँ। तो इसलिए नहीं बनाया भाई, मैं पहले दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ था, सोया भी नहीं था। मैं सुबह सुबह उठा, कुर्बानी करी, हर चीज़ करी, इसके बाद नमाज़ पढ़ के कुर्बानी करी, इसके बाद हम चले गए जो कज़न के घर। कज़न के हम लोगों ने दावत दी, दावत करके साथ आके मैं फौरन सो गया। तो अब जा रहे हैं हम फार्म हाउस, और सुबह सुबह क्या नाम है इसका, हमें नाश्ता लेना है मुझे, तो हम नाश्ता के लिए लेने जाते हैं पूरे ख़ानदान का। और चले हमारे साथ, तो आपको दिखाते हैं सारा। तो आप सीन देखिए, आप फार्म हाउस देखिए, चले हमारे साथ हम हलवा पूरी के लिए लेने के लिए। और बस ऑर्डर देते हैं यहाँ पे। यार जो 50 पूरियाँ लेनी है, पर्ची बनवा लो सर, अंदर हैं अंदर से पर्ची बनवा, पर्ची अंदर चलते हैं, पर्ची बनवाते हैं। 50 पूरियाँ लेनी है हमें, और पराठे लेने हैं जो हमें 15 पराठे। जी भाई जान, हमने ऑर्डर दे दिया है और पराठे का भी और हलवा पूरी का। हमारे सामने हलवा पूरी बन रही है यहाँ पे, जो 50 हलवा पूरी, और यहाँ पे पराठे हमने 15 पराठे बनने शुरू होगा यहाँ पे। तो बस ये हम देते हैं और उसके बाद जाते हैं हम लोग फार्म हाउस, और सबको दिखाते हैं एक ऐसा फार्म हाउस। और चलो बस थोड़ा टाइम लगेगा हमें यहाँ पे, जो 30 मिनट लगेंगे, तो यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद हम फॉर्म हाउस दिखाते हैं आपको। हमारी हलवा पूरी रेडी हो गई है, अब हम जा रहे हैं जो फॉर्म हाउस पे, तो वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। भैया हम आ गए हैं फॉर्म हाउस पे, अब फॉर्म हाउस आपको दिखाते हैं यहाँ का फॉर्म हाउस, इनका फॉर्म हाउस कैसा है तो वो आपको दिखाते हैं, आप जो सारे फॉर्म हाउस चेक करें। फार्म हाउस तो है बहुत आउट क्लास, बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है, आपने व्यू तो देखे होंगे इसके। अब हम जाएंगे पानी के अंदर, वो भी आपको सीन दिखाएंगे सब चीज़ें। तो चले हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बारबेक्यू भी होगा, क्यों ईद का दिन है तो भाई ईद के दिनों में हर जगह बारबेक्यू भी होता है, तो हम बारबेक्यू भी बनाएंगे। और क्या क्या खाना होगा सब चीज़ें वो आपको दिखाते हैं। अभी आ गए एन भाई भी है। जी एन भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक यार। तो भाई जान, सामान निकालने आ गए, और यहाँ पे सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और बस अभी सब आते हैं, पानी भी जाते हैं, तो वो चीज़ आपको दिखाते हैं। बच्चे अब नहाने शुरू हो गए हैं, नाज़रीन सब तैयार शुरू हो गए, स्विमिंग पूल शुरू हो गई। गर्मी काफ़ी है आज कराची के अंदर, ईद के तीसरे दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस अभी बच्चे शुरू हो गए, हम भी जाएंगे पानी के अंदर सब। और ये बच्चे देखें, सारे सब नहाने शुरू हो गए हैं, तो अब ये हम भी जाएंगे पानी के अंदर। ये आ गया है आरएस, ऐसे आरएस भाई आ गया है। आपको लग रहा है कि ये दुबई है ना, ये
ये अपना चैलेंज बता रहा है, इसे अपना बना हुआ होगा इसलिए। और ये सच चल रहा है, सारा बच्चे नहा रहे हैं, फुल फुल इंजॉय चल रहा है। जान सारे पुल में चले गए हैं और मैं नहीं गया अभी तक, तो मैं मोबाइल अंदर ले ही नहीं जा सकता, तो मोबाइल पानी में गया तो ख़राब हो जाएगा, तो मैं खुद जा रहा हूँ। तो बस पानी से निकलते हैं, तो क्या खाना क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, हम क्या इंजॉय कर रहे हैं, सब आपको लेके चलूँगा साथ। तो बस अब पानी में आते हैं, मोबाइल रखेंगे साइड में, तो हम पानी के अंदर कूदेंगे, इसके बाद आगे की अपडेट बताते हैं। इसकी वजह हम नहा लिए हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर का सेटअप देखने के लिए। हमें कोटिंग कोटिंग डालनी थी और हमारे बहनें ही सब पूरा सेटअप भी ले गए, कोटिंग कोटिंग सब लेके आ गए यहाँ पे, फुल पूरा सिस्टम के साथ, पूरा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। और बस हम अभी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते भी हैं और सब चीज़ें दिखाते हैं आपको, और अभी बंदे को भेजते हैं खाने के लिए, खाना लेके आएगा वो, और इसके बाद खाना दिखाते हैं आपको। केक का सेटअप ऑन होने शो हो गया है यहाँ पे, और गोले गोले जला रहे हैं सारा सिस्टम, और यहाँ पे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी है, यहाँ पे ठंडी कोल्ड ड्रिंक, पानी, फुल पानी भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक पानी, कोल्ड ड्रिंक उसमें वाली होगी, उस वाले दूसरे वाले में, बहुत आउट क्लास सेटअप, ये बेहतरीन सेटअप यहाँ पे। आप जो बिरयानी का इंतज़ार करेंगे, कल हमने ऑर्डर किया था हनी शाशपूत को, वो बिरयानी आएगी, तो बिरयानी दिखाते हैं आपको, और बारबेक्यू हो रहा है यहाँ पे। कोशिश कर रहे हैं, और माशरूक हमारा यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आग लगाने की, और चल रही पारी दो से, कोशिश काफ़ी चल रही है। और यहाँ से यासिर भाई और गेट तो भाई बोटियाँ लगा रहे हैं हमारी यहाँ पे, और ये तैयार चल रहा है, कोशिश करते कामयाब अगर हो गए तो इंशाल्लाह फिर तो कामयाब है। बस बंदे चल रही नहीं है, बहुत मुश्किल हो गई है ना, आग जलाना बहुत मुश्किल है। बस के रेडी होने शुरू हो गए, और यासिर भाई सब बंदे और आदिल भाई हमारे खड़े हैं, और हैदर भाई रोटियां लगा रहे हैं, ये बस ये ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं काम। तो ये खाना वाना खा लिया है हमने, और अब वापस हम जाएंगे स्विमिंग पूल। यार मैं स्विमिंग का वो लेके नहीं आया मोबाइल, ये ना हो ख़राब हो जाए मेरे पास, मैं इसका कवर नहीं आया मोबाइल का, तो वो शॉट दिखा नहीं सकता पानी में, बच्चे से स्विमिंग कर रहे हैं, वापस खाना खा के वापस स्विमिंग पूल में, गर्मी बहुत हो रही है तो इस चक्कर में स्विमिंग पूल ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें, तो बस वापस स्विमिंग पूल करते हैं। बस शाम का बताते हैं, शाम में क्या सीन है, खाना दिखाया मैंने आपको, हर चीज़ दिखाई है, और अब ये स्विमिंग करके तो शाम को बताते हैं क्या सीन है। क्या नाम नहा लिए हैं, और अभी हमारे कज़न की बेटी की सालवा है यहाँ पे भी, तो वो अब केक वेक काटेंगे और वो भी दिखाएंगे आपको वहाँ पे। तो बस ये बच्चे अभी भी नहा रहे हैं, इतना नहा रहे हैं ये लोग, थकते नहीं हैं। तो अब हम यहाँ केक काटेंगे, उसके बाद चाय वाय तो बन गई थी, हर चीज़ हो गई थी, वो मैंने दिखाया नहीं, मैं खुद पानी में था, मुझे खुद पता ही नहीं था। तो अब बस केक वेक काटते हैं, वो आपको दिखाते हैं, तो चलें सालवा बनाना चलते हैं। केक आ गया है, और है इसकी बर्थडे एजल की, और ये 4 साल की हो गई है माशाल्लाह से, तो अभी ये केक वेक काटते हैं इसका, तो बस करते हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you। जाना आज आपको मैंने दिखाया ईद के दूसरे दिन हमने क्या किया, एक्टिविटी क्या करी, और जो हम फॉर्म हाउस आए थे वो चीज़ आपको दिखाई, तो आपको ये अच्छा लगा होगा ब्लॉग, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं भाई कैसे ब्लॉग बनाऊं, वो चीज़ मैं अमल करूंगा, और वैसे एक ब्लॉग बनाऊंगा तो इंशाल्लाह नए ब्लॉग मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।